बने रहिए, आपसे आगे की खबरों में भी अपडेट लेंगे। लखनऊ से खबर, जहां घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। घोसी से दारा सिंह चौहान होंगे बीजेपी प्रत्याशी, कोर कमेटी की बैठक में लगी गुहार। तो देखिए, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं दारा सिंह चौहान, और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि घोसी से दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं दारा सिंह चौहान, और घोसी सीट दी जा सकती है दारा सिंह चौहान को, यह बड़ी जानकारी। मेरे सहयोगी मार्तंड ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घोसी सीट दारा सिंह चौहान को दी जाने की जानकारी सामने आ रही है, मार्तंड क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए घोसी सीट पे उपचुनाव प्रस्तावित है, घोषणा भी हो चुकी है कि जो है 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है दारा सिंह चौहान को ही वहां से उम्मीदवार बनाने का मन बनाया। आपको बता दें कि जो कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की सीएम की अध्यक्षता वाली, उसमें जो है कल जो मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, और जो है इसमें इस बात पर चर्चा भी की गई और दारा सिंह चौहान मौजूद रहे। दारा सिंह चौहान को हिंट दिया गया कि आप जो है सांकेतिक रूप से कहा गया कि आप जो है क्षेत्र में जाकर चुनावी तैयारी करें। आपको बताएं, घोसी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे तो ये जो है घोसी जो मऊ की सीट है, यहाँ से जो है दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के झंडे तले जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे। आपको बता दें कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में ये जो पूर्वांचल के 4 से 5 जिले थे जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया आता है, जहाँ पे बलिया में हालांकि 2 सीटें जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी लेकिन बाकी 3 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक ये सांकेतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पे उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को खड़ा करती है, दारा सिंह चौहान क्षेत्र के बड़े नेता है, बड़ा जनाधार है, तो कहीं ना कहीं उसके नतीजे से जो है जो लोकसभा चुनाव कम जो चुनाव है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है एक मनोबल जो है भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होगा, और साथ ही साथ एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि यहाँ पे जब कभी विधानसभा में जो है हमारे यहाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी का कुछ कष्ट नहीं टिक पाया लेकिन लोकसभा चुनाव अलग होता है और उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कसके तैयार है। अच्छा, ऐलान क्या कब तक हो सकता है मातंद, इसको लेकर क्या सूत्रों के हवाले से कोई खबर सामने आ रही है क्या? जी बिल्कुल, इसका ऐलान क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो जाहिर तौर पर ऐलान भी जल्द होगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो जानकारी यही है कि दारा सिंह चौहान को ही पार्टी को की जो कोर कमेटी है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उसने अपना उम्मीदवार बनाया है और दारा सिंह चौहान को क्षेत्र में जाकर तैयारी करने का भी निर्देश दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो तभी से यह कयास लगाया जाना था कि भारतीय जनता पार्टी जो है दारा सिंह चौहान को एक बड़े रोल में ला सकती है। कहीं ना कहीं जो ये फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल, देखिए घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है दारा सिंह चौहान को, मेरे सहयोगी तमाम जानकारियां दे रहे थे। मार्तंड बहुत शुक्रिया।